बहुत से लोगों की कैटेगरी आती है जो कहते हैं कि यार इंसान दिल का अच्छा होना चाहिए, लुक्स मैटर नहीं करती। मैं कहता हूँ कि भाई जितना को दिल मैटर करता उससे कहीं ज़्यादा लुक्स मैटर करती है। जब आपका रिश्ता हो रहा होता है, लड़की और लड़के का रिश्ता हो रहा होता है, तो ये दोनों की भाई दिल नहीं दिखा रहे खोल के, ये देखो मेरा दिल, मैं दिल का बहुत अच्छा हूँ, ये नहीं हो रहा होता। वहाँ पर ये चीज़ चल रही होती है, जब लड़की को तस्वीर भेजी जाती है लड़के की और लड़कों की तस्वीर भेजी जाती है लड़की की, तो दोनों अपनी फिजिकल अपेयरेंस के थ्रू एक दूसरे को सिलेक्ट करना होता है। अगर उसने बड़े बड़े बाल रखे हों शक्तिमान जैसे और बड़े बड़े नाखून बड़े बड़े दांत हों तो लड़की सिलेक्ट करेगी? कभी भी नहीं करेगी। पहले नंबर पर देखिए कि लड़के के इसके फिज़िकल अपेयरेंस कैसी है, इसकी कटिंग कैसी है, लड़का देखेगा ये लड़की दिखने में कैसी है, इस चीज़ के ऊपर सिलेक्ट होती है। अगर आपकी फर्स्ट चीज़ ही प्रॉपरली कम्प्लीट नहीं है तो एक दूसरे को सिलेक्ट करोगे आप? कभी भी नहीं करोगे। दिल विल तो बाद में देखा जाता है, पहले फिजिकल अपेयरेंस पर काम करो यार अपनी। फिर भी अपनी फिटनेस का ख्याल रखती हैं, हम लड़के तो गए गुजरे हैं सबसे, यकीन करो कि यार मैंने अपने फ्रेंड्स देखे हैं, अपने दोस्त देखे हैं, जो खाने के टाइम जो कुछ मिला गड़म 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 अंदर मशीन लगाई हुई उन्होंने सब हजम, फिर वो कुछ टाइम के बाद इतने मोटे हो जाते हैं, इतने फैट्स उनके ऊपर आते हैं, तो फिर बाद में परेशान हो जाते हैं कि यार मैं अपना आप वेट कैसे लूज़ करूँ। फिर वो सोचते हैं कि यार अब इसके लिए जिम ज्वाइन करनी पड़ेगी, सालों साल वो सोचने पर लगा देते हैं, एक दिन जिम में जाते हैं और पूरे साल की फीस जमा करवा देते हैं। वो जिम वाला खुश होता है कि ये लगी दिहाड़ी आ गया बंदा, मौजे ही मौजे। भाई आपको सबसे पहले सेंस होनी चाहिए अपनी ड्रेसिंग की। ड्रेसिंग कैसे की जाती है? ड्रेसिंग तब भी सूट करती है जब आपकी बॉडी फिगर अच्छी हो, जब आप अच्छे वेल ड्रेस तब भी लगते हो कि जब आपके पास कुछ होगा। मोटे होगे तो कोई भी चीज़ फिट नहीं आएगी, कमज़ोर होगे तो ऐसे लगेगा खंभे के अंदर कोई कपड़े लटकाए होंगे, ऐसी चीज़ें लगती हैं। तो सबसे पहले अपने ऊपर काम करें यार, ड्रेसिंग टोटली फर्स्ट नंबर पर आता है। ड्रेसिंग की सेंस थोड़ी बिल्ड करें। अगर नहीं पता ड्रेसिंग कैसे करते हैं तो बहुत ज़्यादा यूट्यूब पर चैनल्स हैं, उनको फॉलो करो, किसी एक मॉडल को फॉलो कर लो, उनसे पता चल जाएगा कि आपको ड्रेसिंग कैसे की जाती है। आप अपने हेल्थ का ध्यान नहीं रखोगे, ड्रेसिंग का ख्याल नहीं रखोगे, अपनी फिजिकल अपेयरेंस का ख्याल नहीं रखोगे, तब तक आपकी लाइफ सेटल नहीं हो सकती। अगर लाइफ सेटल भी हो जाए तो आप ज़िंदगी में सेटिस्फाई नहीं होगे, मेंटली डिप्रेस रहोगे आप। जब तक अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रखोगे खुद ही, कोई चौथा बंदा नहीं आएगा कि आपको बताने के लिए, मुजम्मिल तुम ये करो, तुम वो करो, तुम ये करो, वो नहीं बताएगा। जब तक आप अपने अंदर से चेंज नहीं करोगे बाहर कभी भी चेंज नहीं होगा। बाहर के चेंजेस के लिए अपने अंदर को चेंज करना ज़रूरी होता है। तो भाई सबसे पहले अपनी ड्रेसिंग सेंस को ठीक करो, दूसरे नंबर पर अपनी फिजिकल अपेयरेंस को प्रॉपरली बेटर कर लो। एक टाइम दे दो, 24 घंटे में से आधा घंटा या डेढ़ घंटा घंटा अपने लिए निकाल लो। उस एक आधे घंटे से आपकी पूरी लाइफ चेंज हो जाएगी। दुनिया में जितने भी आप पैसे कमाते हो वो सिर्फ आप अपने लिए नहीं कमाते, उसमें फैमिली होते हैं, आपके बच्चे बीवी सबको देना होता है उसमें। जो आपकी हेल्थ की जो ध्यान होता है ना, वो सिर्फ आपकी अपनी ही चीज़ है। जब तक आप हेल्थ का ध्यान रखते जाओगे ज़िंदगी में खुशियाँ मिलती रहेंगी, नहीं करोगे तो ज़िंदगी तो चल ही रही है ना। एक बंदा कम भी हो जाएगा तो क्या फ़र्क पड़ता है। तो स्टे ब्लेस, ये वीडियो बनाने का मकसद यही था कि हेल्थ के बारे में थोड़ा पता चल जाए, हमें ड्रेसिंग की थोड़ी सेंस आ जाए, कुछ बुरा लगाओ तो अच्छा ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।